आगरा की बाह विधानसभा सीट में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। मंच पर उस समय एक अजीबोगरीब सा माहौल बन गया जब पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामजीलाल सुमन ने जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा को मंच पर ही तमाचा दिखा दिया। ये देखकर पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। दरअसल अखिलेश यादव आगरा की बाह सीट पर प्रचार करने पहुंचे थे। यहां रामजी सुमन मंच से जनता को संबोधित कर रहे थे। इसी वक्त अखिलेश यादव और जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा आपस में बातचीत करने लगे। ये बात रामजी लाल को कतई पसंद नहीं आई। उन्होंने दो बार जिला अध्यक्ष को अपने भाषण के बीच में इशारा करके बात करने से मना किया, लेकिन जब जितेंद्र वर्मा ने अखिलेश से बात करनी बंद नहीं की तो रामजी लाल माइक छोड़कर जिला अध्यक्ष के पास आए और उन्हें तमाचा दिखा दिया। देखिए, रामजी लाल के तमाचा हटाने के बाद जिला अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष की हंसी छूट गई। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। इसके बाद दोनों ने बातचीत करनी भी बंद कर दी। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।